शहर में अमन चैन कायम रखने में सहयोग करने वाले लोगों को एडीजी ने किया सम्मानित। बताते चलें, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शहर कोतवाली पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी, जोन आईजी रेंज, एसएसपी सहित पुलिस के कई अधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यहां पर शहर के अमन चैन कायम रखने वालों के लिए सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। शहर कोतवाली के सामने आयोजित प्रोग्राम में पहुंचे एडीजी जोन राजकुमार के द्वारा कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों में आज सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर एडीजी जोन ने कहा कि 10 लोगों को सम्मानित किया गया, इसमें जनार्दन आचार्य, कदीर अहमद, सलीम सोहानी, काले सिंह, मोहम्मद नबी, जेसी पालीवाल आदि को सम्मानित किया हुआ, जिसमें शहर में अमन चैन कायम रखने में सहयोग प्रदान किया। उन्होंने सम्मानित के लोगों से पुलिस का सहयोग प्रदान करने की अपील की। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम सुबहानी है और मैं बरेली एकता कमेटी जो है एकता कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी, आज ये आज़ादी के 75 वर्षगांठ पर जो है एडीजी जोन श्री राजकुमार जी द्वारा सम्मानित किया गया है एक मोमेंटो देकर, और हमारे जो पुलिस प्रशासन को सहयोग रहता है, जो पुलिस प्रशासन के लिए सहयोग किया है, आपसी सौहार्द के लिए शहर में काम करते हैं, अमन भाईचारे के लिए काम करते हैं, उसके लिए बरेली प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जनपद बरेली में कोतवाली सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली की में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे जनता के जो लोग हैं, जो सहयोग करते हैं, अमन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मौजूद लोग हैं, उनमें से 10 लोगों को आज कार्यक्रम में बुला करके उनको सम्मानित किया गया। विगत दिनों जो भी पर्व रहे हैं, त्यौहार रहे हैं, उनमें हर पर्व हर त्यौहार में ये हमारे अमन कमेटी के लोग हम पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सड़कों पर जाते हैं और कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग का पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। उसी को ले उनकी जो योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसकी सराहना की गई है और उनको उनकी अप्रिसिएशन के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन सभी कॉमन कमेटी के मेंबर्स को सम्मानित किया गया और आशा की गई कि भविष्य में भी वो इससे अच्छा और कार्य करते रहेंगे।